आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। तो गाइस आपने सुन लिया कि मेरा दूसरा सिम पे मैं ऐसे सेटिंग करके रखा कि जैसे कोई भी कॉल करेगा तो उसको नॉट रीचेबल या सर्वर डाउन या तो फिर नेटवर्क इशू इस टाइप का कुछ ऑप्शन शो करेगा। अगर आप भी आपका मोबाइल नंबर पे ऐसी सेटिंग करना चाहते हो कि किसी को पता नहीं चले कि आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हो, तो ये सेटिंग आप कैसे करेंगे आपको मोबाइल पे, एंड मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, तो चलिए इसको हमें वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको इस सेटिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपका मोबाइल पे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करना है। तो बट क्या होता है कि जैसे आप कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करते हो आपका मोबाइल पे, एंड जो भी कॉल करते हैं उसको पता चल जाता है कि आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हो, इसलिए कॉल फॉरवर्डिंग करके रखो। बट ये जो मैं सेटिंग बताऊंगा, इस सेटिंग एक्टिवेट करने के बाद किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपने कॉल फॉरवर्डिंग करके रखा। एंड ये जो सेटिंग है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने टाइम के लिए इसको एक्टिवेट करना चाहते हो, एक्टिवेट रखना चाहते हो, कुछ टाइम के लिए या अनलिमिटेड टाइम के लिए आप इसको एक्टिवेट करके रख सकते हो आपको मोबाइल पे। तो इस सेटिंग को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर साइड में तीन डॉट मिलेगा, तीन डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे आपको चले जाना है यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट। तो आपके पास यहाँ पे कॉलिंग सेटिंग या कॉल सेटिंग ऐसे कुछ ऑप्शन भी हो सकता है। तो मेरे पास जो है कॉलिंग अकाउंट है, इसके ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे आपको जो सिम चूज करना है, जैसे मेरा जियो NBSNL है, तो मैं जियो सिम पे कॉल रिसीव नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जियो सिम पे क्लिक कर लूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉल फॉरवर्डिंग, तो कॉल फॉरवर्डिंग इसके ऊपर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो जनरली हम लोग वॉइस कॉल पे कॉल फॉरवर्डिंग करके रखते हैं, वीडियो कॉल तो ऐसे हम लोग कम ही करते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल का जरूरत है कॉल फॉरवर्डिंग का, आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं वॉइस कॉल में जाऊँगा। एंड यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल रहा है, देखिए ऑलवेज फॉरवर्ड, होएन बिजी एंड होएन अनएंसर्ड एंड अनरीचेबल। तो अगर आप सभी कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉल फॉरवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ऑलवेज कॉल फॉरवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है, या तो फिर आप ये बाकी तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा। जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये जो नंबर है, आपको ये नंबर कहाँ से मिलेगा? सबसे पहली बात है कि अगर आप कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर डालोगे उस नंबर पे पहुँच जाएगा फ़ोन, या तो फिर उस नंबर पे कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपको ऐसे नंबर डालना है जो नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है, या तो फिर स्विच ऑफ आ रहा है, या तो फिर नेटवर्क इशू नेटवर्क बिजी आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है। तो ये नंबर आपको कहाँ मिलेगा? अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आपको जाना है कहाँ पे? गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद सर्च करना है फेक मोबाइल नंबर, एंड जैसे यहाँ पे सर्च करोगे यहाँ पे एक वेबसाइट आएगा SMS24.me। आप कोई भी वेबसाइट में जाके ले सकते हो, मैं जो नॉर्मल यूज करता हूँ इसको यूज करता हूँ। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको जो है कंट्री सिलेक्ट करना है। आप जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लूँगा। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर जो टेम्पररी मोबाइल नंबर दिखाई देता है, ये जो मोबाइल नंबर है सभी जो है नॉट रीचेबल या तो फिर स्विच ऑफ बताएगा। तो आप यहाँ से कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो मोबाइल नंबर है यही है, यहाँ से मैंने डाला। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी मोबाइल नंबर डाल लेना है एंड यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे तो मेरा अपडेट आ रहा है, बट आपके पास अप्लाई ऑप्शन आएगा, आपको अप्लाई कर देना है। एंड अगर आपको कोई भी और दूसरा मोबाइल नंबर लेना है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके एडिट करना है एंड यहाँ पे आपको उस मोबाइल नंबर को डाल के अपडेट कर लेना है। अगर आपका कॉन्टैक्ट में कोई भी मोबाइल नंबर है जो नॉट रीचेबल बताएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो एंड आपको क्लिक करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद जैसे आप उस मोबाइल नंबर पर कॉल करोगे, आपको यहाँ पर सुनाई देगा आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी खराब काम में इसको इस्तेमाल ना करे, जस्ट कोई भी प्रैंक के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, एंड अगर वीडियो पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।